हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएमएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। पेरेंट्स के लिए खासकर ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आरएमएस के नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशनड है, मैं आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास सिक्स एंड नाइन्थ। ठीक है, तो क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है। और आपको आरएमएस के बारे में तो पता ही है, आरएमएस एक चैल में है विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, एक अजमेर में है, फिर बेलगांव, बेंगलुरु और ढोलपुर। ठीक है, तो इन पांच आरएमएस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है। इस बार का सेशन है 2021। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो आरएमएस है एक फुली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड है और किसके अंडर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में दिया है, जो इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए होगा 22 दिसंबर 2019 संडे। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में दिया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लास सिक्स के बच्चों को ध्यान में रखना है कि क्लास फिफ्थ तक का स्टैंडर्ड उनसे पूछा जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस उनसे पूछा जाएगा, जीके उनसे पूछा जाएगा और साथ में मैथ्स एंड इंग्लिश उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, रही बात क्लास नाइन्थ की, तो क्लास एट तक का स्टैंडर्ड उनसे पूछा जाएगा, लेकिन इसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है बेटा, हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स एंड साइंस है, लेकिन साथ में हिंदी है। तो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंदी भी उनके एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, उनको हिंदी भी पढ़ना है। ओके, एलिजिबिलिटी पर आते हैं। ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो क्लास सिक्स के लिए क्या है, 10 से 12 है। इन्होंने इस बार एज एक साल बढ़ाई है, पहले 10 से 11 हुआ करती थी, तो और इन्होंने थोड़ा सा जो एज का विंडो है उसमें भी चेंजेस करें। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि 10 से 12 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2020 जब इनका एडमिशन होता है। तो एडमिशन के वक्त बच्चे की एज 10 से 12 के बीच होनी चाहिए। दोनों डेट्स गिवन है, ये आप डेट्स थोड़ा सा याद रखिएगा। बच्चे का अगर आपने चेक करना है अटेम्प्ट है या नहीं है, तो 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2010 के बीच में अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चा आपका एलिजिबल है। क्लास नाइन्थ के लिए 13 से 15, वही 31 मार्च 2020 में बच्चा 13 से 15 का होना चाहिए। और जो खाका दिया है एज का, दैट इज 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2007 के बीच में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाएगी। किन के लिए? उन वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। ठीक है, तो जितने भी लोग शहीद हुए हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, उनके बच्चों को ये सुविधा दी जाएंगी, 6 महीने का जो रिलैक्सेशन है उनको दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूँ। तो एज का जो मैंने अभी बताया, इसको एक बार पेरेंट्स अच्छे से देख लें। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लास सिक्स के लिए कोई प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा थर्ड में हो वो भी दे सकता है, फोर्थ वाला भी दे सकता है। ठीक है, सो नो प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, लेकिन एज का खाका फिट बैठना चाहिए। क्लास नाइन्थ के लिए ये मैंडेटरी है कि बच्चा क्लास एट्थ पास कर लेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, और वही बच्चा एलिजिबल होगा क्लास नाइन्थ के लिए जो क्लास एट्थ में पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये क्लास नाइन्थ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास सिक्स के लिए कोई भी प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा मेडिकल की डिटेल्स दी हैं, अगर मेडिकल बच्चा फिट होगा तभी उसका एडमिशन होगा, ये सारी चीज़ें दी हैं। रिजर्वेशन के बारे में है, 70% सीट्स JCO ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, और 30% सीट्स ऑफिसर्स के हैं, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं और सिविलियंस के भी हैं तो। ठीक है, और फिर टोटल 50 सीट्स रिजर्व्ड उनके लिए हैं, अगेन जिनके पेरेंट्स अगर कोई शहीद हुए हों किसी भी एक्शन में। ठीक है, मिलिट्री एक्शन में, तो उनके लिए टोटल 50 सीट्स रिजर्व्ड है, और ओवरऑल 15% से 7.5% सीट रिजर्व्ड है एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन किया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एडमिट कार्ड, इंटरव्यू और रिजल्ट की जो सारी डिटेल्स हैं आपको वेबसाइट में दे दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि टेस्ट के बाद जो भी मेरिट लिस्ट आएगी और इंटरव्यू उनके रेस्पेक्टिव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में होंगे, वो उनके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स .in के वेबसाइट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इवन एडमिट कार्ड भी बच्चे यहीं से डाउनलोड करेंगे।
एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मंगाना है ये इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। तो जो इनका प्रॉस्पेक्टस है और एप्लीकेशन फॉर्म है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से मिलेगा। आप 600 रुपये दे सकते हैं, जो भी RMS आपके पास हो, आपके स्टेट के पास हो। उदाहरण के तौर पर जैसे ये उत्तराखंड है, देहरादून से मैं बात कर रहा हूँ, तो देहरादून से पास सबसे पास हिमाचल प्रदेश में चैल पड़ता है, तो हम लोग चैल से ही एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से देख सकते हैं कौन सा उनका RMS ज़्यादा पास है। ठीक है, और 300 है इन द केस ऑफ SC ST, तो SC ST के लिए हाफ रेट है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको मंगाना है तो अगर आप डायरेक्टली जाएंगे RMS तो आपको वो 300 या 600 का मिल जाएगा, 300 फॉर SC ST एंड 600 फॉर जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर आप उसको डिमांड ड्राफ्ट से मंगाना चाहें या बाय पोस्ट अगर आप उसे मंगाना चाहें तो आप क्या करेंगे, बाय पोस्ट आप अपना एक सेल्फ एड्रेस्ड स्लिप के साथ साथ 650 और 350 फॉर SC ST आप भेजेंगे उस RMS के एड्रेस पे। ठीक है, इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दैट पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, और आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा। जो ये 50 रुपीज़ एडिशनल चार्ज कर रहे हैं ये वो पोस्टेज जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको RMS के फॉर्म्स मंगाने हैं तो आप RMS में अपनी सेल्फ एड्रेस्ड स्लिप के साथ साथ पैसे भेजेंगे 650 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी। आप डायरेक्टली कैश भी भेज सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट भी भेज सकते हैं उनके फेवर पे। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव आप भेजेंगे और आपको आपका फॉर्म विद इन वीक मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि विद इन वीक मिले, कभी कभी 10 डेज भी लग जाते हैं, लेकिन मिल जाएगा आपको एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी है। लास्ट डेट सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट डेट इसकी 20 अक्टूबर 2019 है। ठीक है, तो लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म की 20 अक्टूबर 2019 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका फॉर्म रिस्पेक्टिव RMS में पहुँच जाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए हैं कि अगर वेरिफिकेशन के वक्त कोई भी एंट्री जो आपने फॉर्म में डाली अगर वो गलत निकल जाए तो कैंडिडेट का जो उसका कैंडिडेचर है वो उसी समय रिजेक्ट हो जाएगा। और तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या जो भी आप डिटेल्स अपने फॉर्म को भरते वक्त लिखें वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने रिस्पेक्टिव RMS के नंबर्स भी दिए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई अदर असिस्टेंट चाहिए RMS के लिए से रिलेटेड तो आप हमारे नंबर्स में भी नीचे जो दिए गए हैं उनमें आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, और 21 सितंबर से फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 21 सितंबर से, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 21 सितंबर से फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 21 सितंबर के बाद रिस्पेक्टिव RMS को विज़िट कर सकते हैं या आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ कैश या कैश के साथ साथ अपनी सेल्फ एड्रेस्ड स्लिप रिस्पेक्टिव RMS में भेजकर अपना फॉर्म मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले आप ज़रूर बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।